पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी बुधवार को राजहंस से हो गई है। दोनों को आशीर्वाद देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव समेत अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचे थे। आपको बता दें, नीतीश कुमार बुधवार शाम करीब 7:15 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। सुरभि आनंद और उनके पति राजहंस ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शादी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के पास बैठे और गुफ्तगू करते नजर आए। इस दौरान आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी मौजूद रहीं। सीएम नीतीश के अलावा शादी कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे थे। सभी की मुलाकात आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद से हुई और इनके बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। शादी में वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, शहनवाज हुसैन भी शादी में शिरकत करते नजर आए। आनंद मोहन की बेटी की शादी में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू भी पहुंचे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी वर वधु से मिलने पहुंचे। इस तस्वीर में मंच पर शिक्षा मंत्री के साथ आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और उनकी मां लवली आनंद भी नजर आ रही हैं। इस शादी में कई बड़े चेहरे देखने को मिले। शादी के मौके पर आचार्य सुदर्शन भी वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उन्होंने भी आनंद मोहन से मिलकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, आनंद मोहन की बेटी की शादी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे और ऐसा हुआ भी। शादी कार्यक्रम में करीब 15,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी में आने वाले सभी बाराती शाकाहारी थे। उनके लिए वेज खाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिश शामिल थी। फिर भी मेहमानों के लिए करीब 25 क्विंटल मटन, 15 क्विंटल चिकन और 10 क्विंटल मछली बनाई गई थी। साथ ही मिठाई में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती, मूंग दाल का हलवा समेत 10 अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे गए थे। आपको बता दें, आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी पटना के बैरिया इलाके के एक निजी फार्म हाउस में संपन्न हुई है। ये फार्म हाउस देखने में काफी शानदार है। इसके अंदर एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। इसी आइलैंड पर सुरभि आनंद की शादी का मंडप सजाया गया था। इस आइलैंड की क्षमता करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की है। शादी के लिए फार्म हाउस को पिछले 15 दिनों से तैयार किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए इस वक्त पेरोल पर बाहर आए हुए हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम कृष्णैया हत्याकांड में बिहार की कटिहार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले बेटी सुरभि आनंद की रिंग सेरेमनी में भी शामिल होने के लिए वो बीते साल नवम्बर में पेरोल पर जेल से बाहर आए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।